जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग हैं महाराजगंज जिले के परसामीर ग्राम सभा के अंतर्गत और हमारे साथ एक छोटा सा बालक है और इसके अंदर कहीं ना कहीं बोलने की जो शैली है, कविता है, बहुत अंदर इसके अंदर तमाम ऐसे टैलेंट है जो समाज को दिखाने की जरूरत है। और साथ ही साथ हम लोग का प्रयास यही रहता है कि जो प्रतिभाएं जो बच्चों के अंदर, जो गरीब तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज को समाज के सामने लाने की जरूरत है लेकिन नहीं आ पा रहा, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि जो भी इस तरह के बच्चे हैं जिनके अंदर कुछ बोलने का टैलेंट है, कविता बोलने का टैलेंट है या तमाम ऐसी प्रतिभाएं हैं, समाज को दिखाने की जरूरत है, तो हम लोग ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं अक्सर। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग आए हैं सिंदुरिया के बगल में ग्राम सभा परसामीर है और एक बालक है, इन्हीं से हम लोग बातचीत करेंगे। और आपका क्या नाम है? यश कुमार प्रजापति। तो साथियों, यश कुमार प्रजापति जी हैं और इनके पिताजी हैं, तो पिताजी का क्या नाम है? शैलेश प्रजापति। शैलेश प्रजापति, तो ये बताइए किस क्लास में पढ़ते हैं आप? पांच। पांच में पढ़ते हैं, और मतलब कौन सा कविता सुनाते हैं? थोड़ा अपना कविता सुनाइए तो दर्शकों को। आज का ताजा खबर लीजिए साहब, प्रादेशिक समाचार पीएम आजाद से सुनिए गर्व समाचार। विविध प्रसारण का जहन्नुम केंद्रीय, आज मानिकपुर घाट से 9 मन लकड़ी लेकर एक मुर्दा फरार हो गया, इसकी तलाश जारी है, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। आज सिंदुरिया जिला महाराजगंज परसामीर में रसगुल्लों के फटने से हजारों लोगों की मौत, मृतक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, इनकी दवा चल रही है, घायल लोगों को सीधे अपनाया जा रहा है। मुर्दों की तरफ से आंदोलन चल रहा है कि कब्रिस्तान में पंखे लगवा दिए जाए जिससे उनको गर्मी ना लगे। आज 7:47 पर अपराध मुर्गे ने पीपल के वृक्ष पर दो अंडे दिए, उसमें से अजय देवगन करिश्मा कपूर दोनों निकले। आज नंगे तार को दो कुत्ते कनेक्शन का तार जोड़े थे जिनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, जवानों के लिए अभी तक कोई नहीं पूछा। आज गंगा नदी में भीषण आग लगने के कारण आग को बुझाने के लिए तत्काल पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल का व्यवस्था की जा रही है। आज का सत्य तापमान 365 किलोग्राम रहेगा संभवतः, जिसके कारण बर्फी और रसगुल्लों की बरसात होगी, बूढ़े लोगों ने मुंह खोल करके रखे। आज दोपहर को चाय पीते समय एक नौजवान चाय के कप में डूब कर मर गया, जिसको निकालने के लिए राजधानी दिल्ली से बड़ा से बड़ा किरान मंगाया जा रहा है। ऐसे खबरों को सुनने के लिए आप संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, रसगुल्लों के फटने से हजारों लोग की मौत और एक कॉमेडी कविता है, आप लोग अक्सर देखते होंगे जो नाच आता है, जो ड्रामा पार्टी आती है, चाहे तमाम ऐसे नाट्य वाद्य यंत्रों में जो कॉमेडियन होते हैं, बड़े बड़े कॉमेडियन इस तरह की कॉमेडी वाला जो कविता बोलते हैं लोग, और इतना बड़ा कॉमेडी एक छोटा सा बच्चा इसको याद कर लिया तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। और इस तरह की कहीं ना कहीं प्रतिभाएं बच्चों के अंदर अगर छोटे से ही निखर रहा है तो आगे चलकर ऐसा है कि बहुत बड़े मतलब मुकाम हासिल करेंगे। और इनके लिए दोस्त पंक्तियां हम कहना चाहेंगे कि हम तोड़ सकते गगन के सितारे, बुलंदी पर हो यदि इरादे हमारे, तो कदम खुद आकर चूम लेती मंजिल अगर मुसाफिर अपनी हिम्मत न हारे। दोस्तों, कहीं ना कहीं कोई भी चीज, व्यक्ति एक बैग नहीं कोई आगे बढ़ता है, धीरे धीरे कोई भी चीज सीखता है तभी जाकर आगे बढ़ता है। और अभी से उस प्रयास में लगे हुए हैं और इस तरह की कविताएं छोटे बच्चों के माध्यम से हम सुनते हैं तो और भी अच्छा लगता है। और कहा भी गया है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होता है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर भी एक हौसला है कि हम भी आगे चलकर कुछ बड़ा करेंगे। और कॉमेडी की दुनिया में जो इस तरह के आप देखते होंगे, जो आप आज के सबसे बेहतरीन और मशहूर कवि हैं डॉक्टर कुमार विश्वास जी, तो वो भी धीरे धीरे ही सीखे इस तरह का, छोटे छोटे मंचों पर वो भी कार्यक्रम करते आए। तो ये बताइए, आप ये जो कॉमेडी वाला जितना बड़ा कविता सीखे हैं तो कैसे आप याद किए, कैसे मतलब सीखे? हम यह कविता पढ़ने पर लिख लिए थे, उसके बाद हमने याद किया, 2-3 दिन में हमको याद हो गया। 2-3 दिन में याद हो गया जी। और सबसे पहले कहाँ सुने थे इस कविता को? अपने स्कूल पर। अपने स्कूल पर, और मतलब नाच उच में नहीं कभी सुने थे इस तरह का कविता? नहीं। नाच में भी लोग गाते रहे, मतलब जो भी उसमें होते हैं लोग, जोकर जिसे बोलता है, वो इस तरह कविताएं सुनाते हैं। और एक कविता आपको मतलब और भी कोई चीजें याद हो तो सुनाइए दर्शकों को। जग जीवन में जो चीर महान सौधर्य पूर्ण और सत्य मैं बन उसका प्रेमी ना, जो मानो के समान जिससे जीवन में मिले सख्त छूटे वह संशय अद्भुत, मैं वो प्रकाश बन सकूं ना जिसमें मिल जाए अखिल वक्त, पाकर प्रभुत उनसे मरदान करने मानो का वरदान, ला सकूं भी सो में एक बार फिर से नौ जीवन का अभियान। तो साथियों, कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी कविताएं हैं बच्चों जब क्लास में पढ़ते हैं, अभी कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं और इस तरह की कविताएं याद कर ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं और सबसे बड़ी चीज़ है कि उतना बड़ा कविता है लेकिन 1-2 दिन के अंदर वो याद कर लिए और आज भी वो चीज़ें याद है, आप जब भी इनसे सुनेंगे तो वो कविता सुनाएंगे। तो हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि जो छोटे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं कुछ अलग करना चाहते हैं, तो जो भी परिवार के लोग हैं हमसे, उनसे यही आशा है कि आप उनका सपोर्ट कीजिए क्योंकि वो भी भविष्य में बेहतर कर सकते हैं।
क्योंकि जब घर परिवार के लोगों का सपोर्ट रहता है तो कोई व्यक्ति एक दिन बड़ा मुकाम हासिल करता है, और इनका भी अंदर इस तरह की जो क्वालिटी है इस क्वालिटी को आगे बढ़ाने की जरूरत है, सपोर्ट करने की जरूरत है। तो साथियों, छोटे से बालक का कविता आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह का अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय साथियों, धन्यवाद।